दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित अर्थात हिंदी की पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के दूसरे पाठ सुमिरिन के मन के दो निबंधों को लेकर के हम चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा निबंध है ढेले चुन लो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित तीसरे निबंध ढेले चुन लो का हम यहाँ पर वाचन करेंगे, साथ ही साथ उसकी व्याख्या करेंगे, उसको सरल करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इस पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुमिरिन के मन के का तीसरा निबंध ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरुषरी के सामने तीन पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है, उसमें पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। जो पोर्शिया एक महिला पात्र है वो अपने वर को चुनती है। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ दुर्लभ बंधु एक नाटक है जिसमें पुरुषरी के सामने तीन पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, लोहे की, और स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। तो उस संदर्भ में बात हो रही है, लोभी तो चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था नारी को, बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी की बाप के यहाँ पहुँच जाता, वह उसे गो भेंट करता, गाय भेंट करता। वह उसे गौ भेंट करता यानी कि गाय को दान में देता। पीछे वे कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता, उसे कहता कि इसमें से एक उठा ले, कहीं सात, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूं और किस किस जगह की मिट्टी इसमें है। कन्या जानती न थी, यही तो लॉटरी की बुझोवल ठहरी। अर्थात जिस तरह से महाभारत, रामायण या उस तरह के आख्यानों में स्वयंवर की परंपरा को जो देखा जाता है, तो वैदिक काल में भी इस तरह से परंपराएं रही और बाद में भी चली। तो उसके आधार पर वर का कन्या को चुनना या कन्या का वर को चुनना कि जो प्रक्रिया है वो कैसी रही थी उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि उस चुनाव में स्त्री का क्या योगदान है, पुरुष का क्या योगदान है, कितना महत्व है, किस दृष्टि से लोग स्त्री को देखते थे, उस ओर शायद लेखक ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम पाठ को पढ़ते जाएंगे और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। पुरुष जानता था कि ये ढेले जो मिट्टी के हैं वो कहाँ कहाँ से लाए गए हैं, किस किस जगह की मिट्टी है, लेकिन कन्या जानती न थी और यही लॉटरी की बुझोवल ठहरी। अर्थात स्त्री एक तरह से बहुत कुछ न जान करके भी उस चीज को एक्सेप्ट करने, स्वीकार करने वाली प्रवृत्ति में जी रही थी कि जो घर वालों ने, परिजनों ने जो कह दिया वो मान लिया, समाज ने जो कह दिया मान लिया।
वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी, अर्थात यहाँ यहाँ से मिट्टी एकत्रित की जाती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। ये खेल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बच्चे खेलते हैं, खासतौर से ग्रामीण परिवेश के बच्चे आज भी खेलते हैं और कई टीवी सीरियल फिल्मों में भी दिखाया जाता है इस तरह के खेलों को। चित या पट, यदि वेदी का ढेला उठा लें तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मट्टी छूली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। अब यहाँ पर एक बहुत संकेत में लेकिन बड़ी बात लेखक कह रहे हैं कि देखिए कैसी धारणाएं थी कि जहां अलग अलग जगह से मट्टी लाई गई थी उस मट्टी को चुनने से ही निर्धारित है आगे क्या होगा, संतान कैसी होगी। कोई वैदिक वेदी से मिट्टी का ढेला लाया गया था, कोई गोबर यानी कि जहां पर पशु बनते हैं वहां से ढेला लाया गया था, कोई खेती करने वाले किसानों के खेत से मिट्टी का ढेला लाया गया था, मसान से। तो अलग अलग जगह से मिट्टी के ढेले लाने के आधार पर उसको छूने पर ही वैसी संतान पैदा होगी, ये धारणा थी, ये मान्यताएं थी, जो कि आज के युग में अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराएं मानी जाती हैं। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी, यानी कि मसान के मिट्टी के ढेले को छू जाती है तो। अब ये बताइए जिस व्यक्ति को पता नहीं है मिट्टी के ढेले कहां से लाए गए हैं, उस स्त्री को तो वो कुछ भी छू सकती है, किसी को भी छू सकती है, लेकिन ये मान्यताएं कैसी है। तो यहां पर लेखक जो अंधविश्वास है, जो परंपरागत मनगढ़ंत कथाएं हैं, उनके ऊपर चोट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाएगा, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो वह उसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका विवाह उसके बाद नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन बहुत से ग्रह सूत्रों में इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है, यानी कि बहुत सारी जगह पर अलग अलग रूप से इसके बारे में कहा गया है। क्या आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है, ये सभी जो सूत्र हैं उनमें सब में उल्लेख है इसका। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस सुनकर स्वयंवर करती थी, अर्थात जो रूपवान हो, जस यानी कि जिसकी प्रतिष्ठा हो, जो किसी भी रूप से पराक्रम हो, बड़ा हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, स्वयंवर चुनती थी। वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। वैदिक काल में जो हिंदू थे वो ढेले, इन मिट्टी के ढेलों को छुआ करके पत्नी का वरण करते थे, पत्नी को चुनते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को, साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है, यानी कि सवाल उठा सकते हैं, आप उठा सकते हैं, उठना चाहिए आपके मन में, लेखक यही कहना चाह रहा है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। अब देखिए बहुत बड़ी बात कही, बहुत कटाक्ष व्यंग है कि आपके सामने जो है उस पर आप कई बार यकीन नहीं करते हो, लेकिन ईश्वर ऐसा करता है, ये मान्यता आप लोगों की है। मंगल ये कह रहा है, शनिचर ये कह रहा है, बृहस्पति आपका काल बन गया है, शनिचर की दशा लग गई है, ये सब जो मिट्टी के ढेलों के आधार पर एक स्त्री को उपालंब के कटघरे में रखने की कोशिश की जाती है, जिसको भाग्यवाद के आधार पर, जिसको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाता है, उन सब पर व्यंग है, ये गलत है। यह मैं क्या कह सकता हूं, बकोल वात्स्यायन के, यानी कि वात्स्यायन ने जैसा कहा है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। अब ये देखिए अलग अलग रूप से इसका व्याख्या, अलग रूप से इसकी व्यंग है कि जो कल मोर था यानी कि बहुत सुंदर था, बेहतर था, उससे तो आज कबूतर भी अच्छा है, अगर वो है तो, हमारे सामने है तो यानी कि वो उतना सुंदर नहीं है लेकिन वो पक्षी के रूप में सम्माननीय है, बेहतर है। आज का पैसा अच्छा है कल के मोहरे से, पहले मोहरे चलती थी जिनकी कीमत ज्यादा होती थी, तो इसकी तुलना में करें पैसा ज्यादा अच्छा है यदि वह है तो मोहरों की तुलना में, लेकिन उसका सही मूल्यांकन, उसका सही अर्थ, उसकी सही परिभाषा, उसकी सही परख हमें होनी चाहिए।
आंखों देखा ढेला, अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके सामने यदि आपको दिखाई दे रही है मिट्टी तो वो ज्यादा अच्छी है, बजाय बहुत दूर लाखों अंतरिक्ष में आकाश में जो तुम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उपालंब करते हो, किसी को भी एक स्त्री को कटघरे में रखते हो, तो लाखों कोस दूर जो पिंड है, जो उल्का पिंड है, जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनको हम शनि बृहस्पति मंगल वगैरह वगैरह कहते हैं, तो इन सबसे सामने वो मिट्टी का ढेला बेहतर है जो सामने दिखाई देता है। कबीर दास जी क्या कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज बाहर, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। बहुत बड़ा व्यंग है कबीर दास की इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कर रहा है कि पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, यहां एक तरह से मूर्ति पूजा के विरोध में बात कर रहे हैं लेखक। हालांकि इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन मूल सवाल यह है कि आप किसकी अर्चना करते हैं, किसको पूजते हैं और क्यों पूजते हैं। तो लेखक ये कह रहा है पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, सिर्फ एक पत्थर को, एक मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को जिसमें अलग अलग देवता के रूप में हम उसको स्थापित करते हैं, उसको पूजने से यदि ईश्वर मिल जाए, उसकी आराधना हो जाए, तो मैं पूरे पूरे पहाड़ को पूज देता हूं, उसकी अर्चना कर देता हूं, और इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, उससे तो अच्छा है चक्की जो कि पत्थर की होती है उसकी आप पूजा कीजिए, कम से कम पूरा संसार उसका पिसा हुआ अनाज, उसका बना हुआ आटा तो कम से कम खाता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का पाठ, मिट्टी के ढेले ढेले चुन लो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।